स्टूडेंट श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन के बारे में। आज के वीडियो में अपन रोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो था ट्रांसलेशन, ठीक है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ट्रांस जो स्थानांतरण था उसके बारे में अपन ने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज जो है वो अपना दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन यानी घूर्णन, उसके बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि घूर्णन जो होता है उसमें अपना फलन जो होता है वो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी इमेजेस के अंदर किस तरह का चेंजेस जो है वो वहाँ पर डिफाइन होता है, उसको अपन आज के वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, जब भी घूर्णन का होता है तो घूर्णन में मैंने आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से इसके नाम से पता चल रहा होता है कि जो अपनी पहले वाली जो इमेज होती है वो क्या होती है, घूर्णित हो जाती है यानी रोटेट हो जाती है। अब जो इसके अंदर रोटेशन होगा वो किसी एंगल पर होता है, अपन सभी जानते हैं कि जब भी अपना कोई भी लाइन जो है वो रोटेशन होगी तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल के अंदर क्या होगा, चेंजेज होगा। तो यहाँ पर अपन जो जेड की फॉर्म यूज़ करेंगे वो कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे अपन रोटेशन वाली फॉर्म जो है उसको यूज़ करेंगे। और जो जेड डब्ल्यू है वो अपना इस तरह से डिफाइन होगा, ई की पावर आईटा एल्फा डॉट जेड, ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन होगा। मतलब जो अपना जेड है वो एल्फा जो कोण है उससे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अब अपन जेड की रोटेशन फॉर्म सभी अच्छे से जानते हैं कि जो जेड की रोटेशन फॉर्म होती है उसके अंदर अपन अगर लिखते हैं इसको तो क्या होता है, जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर आईटा थीटा, ये होती है इसकी वैल्यू। तो देखिए, जब अपन इसको यहाँ पर पुट करेंगे आर ई की पावर आईटा थीटा, तो यहाँ पर देखिए आर अपना मैग्नीफिकेशन, तो जो अपना एम्पलीट्यूड होता है वो तो अपना वो का वो ही रह रहा है, सिर्फ जो चेंजेज आ रहा है वो किस में आ रहा है, थीटा के अंदर जो है वो एल्फा जो है उसकी क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, इतना जो चेंजेज है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन किसी एंगल की रेस्पेक्ट में जब इसका अपन रोटेशन करेंगे तो अपनी जो इमेज है वो इस तरह से डिफाइन होगी और इसको अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब देखो, अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से अपना ये एंगल जो है वो रोटेट हो सकता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा बस इसी को। और एक चीज़ और, अपन ई की पावर आईटा जो होता है, ई की पावर आईटा थीटा, इसको खोलकर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। ये चीज़ सभी को ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि इसका अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए एग्जांपल जो है उसमें अपने पास में गिवन है, इमेज दे रखी है W e की पावर आईटा पाई बाई थ्री, ठीक है, और मल्टीप्लाई में दे रखा है Z, इसी फॉर्म में दे रखा है। अपने को पता चल गया कि यहाँ पे रोटेशन कितना हो रहा है, पाई बाई थ्री जो है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में अपने को Z प्लेन में क्या क्या दे रखा है, Z प्लेन में दे रखा है अपने को x इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो, और एक लाइन दे रखी है अंडर रूट थ्री एक्स प्लस है वाई इक्वल्स टू वन, ये लाइन जो है वो अपनी दे रखी है। अब अपने पास यहाँ से चार पॉइंट जो है वो फाइंड आउट होंगे और उन चारों पॉइंट्स यानी ये दो तीन लाइन है, एक दो और ये तीन, ये इन तीनों लाइन को अपने को क्या करना है, इस इमेज की रेस्पेक्ट में अपने को वहाँ पे शो करना है। तो पहले से थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब देखिए, ये है यू प्लस है आईटा वी, जब भी अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं पहले सबसे पहले अपने को यू और वी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ साथ अपने को एक्स और वाई में रिलेशंस जो होते हैं उनको निकालना होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ई की पावर आईटा थीटा को आप ये लिख सकते हैं, तो अपने को इसको ऐसे खोल देना है, कोस ए पाई बाई थ्री प्लस आईटा साइन पाई बाई थ्री, ये रख दिया डॉट, जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस ए आईटा वाई, ये अपन ने रख दी। अब बस इसको अपन खोल लेते हैं, तो देखिए खोलने पे अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, अपन जानते हैं ये जो वैल्यू होगी कोस पाई बाई थ्री, कोस पाई बाई थ्री होती है वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, सॉरी वन बाई टू, और एक होती है यहाँ पर आएगा वन बाई टू, वन प्लस आईटा रूट थ्री, इस तरह से ये जो है ये इसकी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, और यहाँ पर है एक्स प्लस आईटा वाई। अब इन दोनों का क्या करवाना है, अपने को मल्टीप्लाई करवाना है, तो देखिए वन बाई टू तो मैं बाहर रख लेती हूँ
और फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो अपन यहाँ पर निकालते हैं। अब जो जो कंडीशंस है फिर उनको अप्लाई करके, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बड़ा है, आप इसमें ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे करना है। जब अपन इसको सॉल्व किया, u प्लस आईटा v, 1/2 मैंने बाहर छोड़ दिया, अंदर जब इनका मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर वैल्यू बनी x प्लस है, सॉरी माइनस, x माइनस रूट 3y। एक तो अपना ये बना, ये अपना पॉजिटिव के अंदर बना है, और दूसरा जो बना वो अपना आइटा के साथ बना है, आइटा y प्लस रूट 3x। इस तरह से जो है वो वैल्यू जो है अपने पास में डिफाइन है हो गई। अब देखिए यहाँ से अपन कंपैरिजन करके u और v की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं, इसको हटा देते हैं, और u और v की जो दो इक्वेशंस आएगी उन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को कैलकुलेट है। देखो u की वैल्यू आ गई 1/2 x माइनस रूट 3y, ये आ गई, और v की वैल्यू आ गई 1/2 y प्लस रूट 3x, ठीक है, ये आ गई। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को थोड़ा सा सरल कर लेते हैं अपन, 2u x प्लस रूट 3y ये मेरे पास है, और इधर बना 2v यहाँ पे आएगा y प्लस रूट 3x। अब आप देखिए इनमें से यहाँ पर u और v में रिलेशन है, जबकि अपन जब अपन शो करेंगे तो अपने पास जब अपन w प्लेन में शो करेंगे तो वहाँ पर अपने को xy की नीड नहीं होती, वहाँ पर अपने को क्या होगा xy की रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पर चेंजेज होगा, अपने पास में जो रिलेशन है वो u और v की फॉर्म में होने चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन से अपने को क्या करना होगा, कुछ जोड़ के कुछ घटा के अपने को इनमें से क्या होगा u और v में रिलेशन निकालना होगा। तो देखिए आप इस इक्वेशन को अगर रूट 3x से क्या करवा देते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, अगर आप इस इक्वेशन को रूट 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और रूट 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो अपनी ये चीज़ पॉसिबल है। देखिए कैसे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। समीकरण 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है रूट 3 से और प्लस किया है 1 से, ठीक है, ये संक्रिया आपने को अप्लाई करनी है। तो देखिए इसको अपन रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हो गया 2u प्लस 2 रूट 3v, दोनों को ऐड कर दिया दोनों साइड। अब देखो इधर जो है, इधर तो अपना x ही रहेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल, रूट 3y माइनस का इधर, रूट 3y कैसा होगा प्लस का होगा, तो क्या होंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना 4 3x बना, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। अब देखो इनमें से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो u प्लस रूट 3v ऐसे बचा, और बराबर में इधर 4x बना, 4 के नीचे ये 2 आ जाएगा, तो इधर अपने पास क्या बच गया 2x, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम है दे दिया। अब देखो ये जो इक्वेशन अपने पास बनी है ये किस में आ गई, अपने पास में u और v की फॉर्म में आ गई है, जो x के साथ में रिले थे होती है, ठीक है, इतना हो गया। सेम इसी तरह से अपन देखिए आगे भी इसको ऐसे जो इक्वेशन है उसके लिए बना लेंगे, y के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो है वो अपन घटाएंगे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है, अब अपने को इक्वेशन है 2 में से 1 को घटाना, जो 1 है उसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करके 2 में से क्या करेगा, घटाना पड़ेगा। तो मैं लिख देती हूँ, समीकरण है 2 और उसमें से घटाना है समीकरण है 1 गुणा रूट 3, मतलब समीकरण 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से घटाना है। तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, इधर तो मेरा 2v रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3v, ठीक है, ऐसे हो गया, और यहाँ पर जो वैल्यू x और x वाली तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये वाली जो होगी वो दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि ये घट रही है तो ये क्या हो जाएगी प्लस में चेंजेज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 4y, ठीक है। तो देखिए 2 इधर से कॉमन लेके उधर भेज दे, तो v माइनस रूट 3u इजिकल्स टू आ गया मेरा 2y, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देती हूँ। अब अपन क्या करते हैं, ये जो दोनों रिलेशन आए हैं उनको अपन को रिलेट करते हुए जो अपनी कंडीशंस दे रखी है जेड प्लेन के अंदर उससे क्या कर देते हैं, अपन इनको शो कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने काम की जो है वो मैं दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ, और उन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, इनकी इमेज को यहाँ पर डिनोट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दूसरी वाली, u प्लस रूट 3
v = 2, ये इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ से हटा देती हूँ मैं इसको। अब देखिए अपने पास क्या बन जाता है, पहली कंडीशन होती है x = 0, दूसरी कंडीशन है y = 0, और तीसरी कंडीशन है √3x + y = 1। ठीक है, ये अपने पास एक कंडीशन भी है। अब देखिए अपन ने जो यहाँ पे इक्वेशंस देखी थी वो अपने किस तरह से डिफाइन थी, जो वैल्यूज थी वो अपने पास में किस तरह से डिफाइन थी उसको अपन ने यहाँ पे इजीली देखा था। तो जो अपन ने पहले जो इक्वेशंस बनाई थी उनमें अपन ने देखा होगा कि ये जो वैल्यू होती है √3x + y, ये मेरी किसके बराबर हो रही थी, 2v के बराबर हो रही थी। तो वहाँ से पहले x = 0 देखते हैं, है ना, तो x = 0 रखा, तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3 से, u = √3v = 0। अपने को जो देखना है ट्रांसफॉर्मेशन v के साथ ले जाना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी v बराबर में अगर अपन ने निकाला तो आया -k u/√3, या ऐसे लिख सकती हूँ -1/√3u, ऐसे मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। सेम y = 0 के लिए अगर अपन ने देखा तो ये जो वैल्यू है v - √3u = 0, तो यहाँ से v बराबर हो गया अपना √3u। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। पहले अपन x की वैल्यू निकालें फिर इसके अंदर पुट करें, तो इतना नहीं करना है। अपन ने जो अभी पहले जब अपन ने रिलेशंस निकाले थे, जब दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पर अपन ने एक रिलेशन देखा था कि √3x + y जो था वो किसके बराबर था, मेरा 2v के बराबर था। तो वहाँ से मैं इसको 2v लिख देती हूँ, तो 2v बराबर 1 होता है, तो v बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से ये जो वैल्यूज़ है इनको अपन क्या करेंगे, जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के अंदर शो करेंगे। ये अपना काम जो है इतना फिनिश हो गया। अब देखो इसको अपन शो करते हैं। अब देखो अपनी यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे जेड प्लेन को दिखा रही हूँ, जेड तल है, x = 0 जानते हो कौन सी है, और y = 0 भी आप जानते हो कौन सी है, x = 0 ये है, y = 0 ये है, तो ये दो काम तो हो गए जेड प्लेन में। अब अपने को ये वाली लाइन दिखानी है, तो इस लाइन की आप स्लोप देखिए, इस लाइन की आप स्लोप देखोगे तो यहाँ पे 60 डिग्री के अप्रोक्सीमेट के आएगी इसकी स्लोप आएगी। तो इस तरह से ये जो है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए मेरी ये लाइन जो है वो यहाँ पे डिनोट है अपने हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपना यहाँ पे आ गया। अब देखो अब अपन इसको दिखाएंगे डब्ल्यू प्लेन में। अब डब्ल्यू प्लेन में देखिए x = 0 था वो क्या हो गया अपना, इधर खिसक गया। ठीक है, y = 0 वाली ये वाली जो लाइन थे, ये x और ये अपना y होता है ना, इधर ये u और ये क्या होता है, v होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो y = 0 वाली लाइन थी वो क्या होगी, रोटेट हो जाएगी, v = √3u। ठीक है, मतलब 3 गुना, इधर जो है अगर अपन देखें तो ये कितनी डिग्री से रोटेट हो रही है, ये रोटेट हो रही है अपनी 10 जो है वो √3 60 डिग्री पे होता है, तो ये 60 डिग्री से यहाँ पर क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो ये मेरी आ जाएगी v = √3u, ये लाइन जो है वो मैंने पहले इसको फाइंड आउट कर ली। ठीक है, दूसरी है v = −√3u, तो यहाँ पे अगर माइनस में है तो मतलब इधर आ जाएगा अपना u का वैल्यू, माइनस में है तो ये वाली लाइन जो है 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अपन ने इसको इस तरह से बना दी। इतना हो गया मेरे हिसाब से क्लियर सभी को। और अगली जो है v = ½, तो अपन मान लेते हैं कि v = ½ जो है वो अपने इस तरह से डिफाइन है था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मेरा, मान लो ये मेरा a था, ये मेरा b था और ये c था, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये तो यहीं पे रहना अपना, ये जो है रोटेट हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये पॉइंट तो अपना यही है, ये ए बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश और सी डैश के अंदर इस तरह से अपना रोटेशन जो है वो यहाँ पर अपना फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन कोई भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इजीली जो है वो रोटेशन की फॉर्म में देख सकते हैं। आपकी बुक में इसको बहुत ही अलग तरीके से किया गया है, तो मैंने बुक के तरीके से नहीं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, आप इस तरीके को फॉलो करना और आपको, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से इजीली जो है वो समझ में आ सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना रोटेशन के लिए, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।